आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप सेवर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 2 रुपए के करीबन की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 4.5% की मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में अराउंड 11% की तेजी देखने को मिली है, एक महीने के अंदर 19% और 3 महीने के अंदर 18% के करीबन की तेजी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म से ही देखें तो इस स्टॉक में लगातार स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक का नीचे का एक लो बना है अराउंड 30 रुपीज। 30 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, जहां से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा अराउंड 43 रुपीज। 43 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 50 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 40 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 55 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।